कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को रद्द करने के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा चुनाव है। आर्टिकल 370 को साल 2019 में रद्द कर दिया गया, जिससे राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया गया, जहां 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। बता दें कि 7 चरण के लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में श्रीनगर सीट पर वोटिंग हुई। निर्वाचन क्षेत्र के कुछ इलाकों में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर कतार में खड़े होते हुए नजर आए। इस निर्वाचन क्षेत्र में 17.48 लाख मतदाता हैं, जिनमें श्रीनगर, गांधरबल और पुलवामा जिले और बड़गाम और शोपियां जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। अधिकारियों ने 5 जिलों में कुल 2,135 मतदान केंद्र बनाए। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर डिवीजन के प्रवासी मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें जम्मू में 21, दिल्ली में 4 और उधमपुर के 1 मतदान केंद्र को शामिल किया गया। बता दें कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रभावशाली शिया नेता और पूर्व मंत्री आका रहुल्लाह मेहंदी को इस लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है, जबकि पीडीपी ने अपने युवा अध्यक्ष वहीद पारा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अपनी पार्टी ने मोहम्मद अशरफ मीर को और डीपीएपी ने अमीर अहमद भट्ट को मैदान में उतारा है। 2 महिलाओं सहित 20 अन्य लोग भी चुनाव मैदान में हैं। मतदान केंद्र त्रिचल पुलवामा में उत्साहित मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, जहां 2019 के बाद पुलवामा में हो रहे इस चुनाव ने रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर लोगों में इसके प्रति एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 10 बजे तक पुलवामा में मतदान 5% के आंकड़े को पार कर गया था, जिससे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में सिर्फ 2.5% वोट पड़े थे। इस बदलाव को आयोजित करने और पुलवामा के लोगों के दिलों में मतदान के महत्व को स्थापित करने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के साथ साथ पुलिस का भी आभार जताया है। बात अगर करें देरू शोपिया की, तो वहां लगी लंबी कतारें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाताओं की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आशिक हुसैन मनहास पीडब्ल्यूडी मतदाता ने शादाब करेबा ए में अपना वोट डाला और साथ ही शोपिया के देरू से पहली बार मतदाता बने अरसलान अशरफ ने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हुए वोट किया। शोपिया विधानसभा क्षेत्र में तेजी से मतदान होते हुए देखा जा सकता है, जहां एक वरिष्ठ नागरिक अपना वोट देने के बाद अपनी फोटो क्लिक करता हुआ नजर आ रहा है। वही श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के गांधरबल जिले में वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। वोट का प्रयोग करने के लिए मतदाता बड़ी संख्या में कतार में खड़े दिखाई दिए। गांधरबल की सुपर सेंटेरियन 110 वर्ष की महिला अपना वोट डालने के बाद मतदान केंद्र से बाहर आती हुई देखी जा सकती है। तो वही मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के धूनीवाला इलाके में बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले। श्रीनगर सीट पर सुबह 11 बजे तक 14.94% मतदान हुआ, जबकि 2019 में श्रीनगर लोकसभा सीट पर कुल मतदान लगभग 14.43% रहा था। वही बात करें 2014 में हुई लोकसभा चुनाव की, तो इसमें सिर्फ 25.86% वोटिंग हुई थी। 3 बजे के मतदान के बाद यह रिकॉर्ड भी टूट गया। श्रीनगर में 3 बजे तक 29.93% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव में 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर फोर्थ फेज के मतदान में शाम 5 बजे तक 62.31% मतदान दर्ज किया गया, जिनमें आंध्र प्रदेश में 68.04%, बिहार में 54.14%, जम्मू और कश्मीर में 35.75%, झारखंड में 63.14%, मध्य प्रदेश में 68.01%, महाराष्ट्र में 52.49%, उड़ीसा में 62.96%, तेलंगाना में 61.16%, उत्तर प्रदेश में 56.35%, साथ ही वेस्ट बंगाल में 75.66% वोट पड़े। और मतदान के साथ ही कुल 1,717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। कश्मीर घाटी में हालात में जो सुधार हुआ है, उससे मतदान प्रतिशत में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। हर जगह सामान्य तरीके से वोटिंग हुई और सच्चे मायने में यही कश्मीर में लोकतंत्र की जीत है।